अब इसमें लगाया हमने डायमंड 2 के। ये देखो भाई क्रोम इनर हैंडल रहने वाले हैं। ये करा गया एयरबैग के लिए। लोग क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं प्रॉपर। आप भी अगर बनाना चाहते हो बिल्कुल टॉप मॉडल, तो भाई स्टीयरिंग चेंज करा लो सबसे पहले। अब लग गया भाई देखो टॉप मॉडल वाला। हाँ, फॉग लाइट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, नीचे और की फ्रंट में स्किड प्लेट्स भी आ चुकी हैं, ठीक है। कोएक्सियल स्पीकर रहने वाले हैं, ये दो पेयर लगे आगे पीछे, है ना। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए। तो गाइस देख रहे हो आप सभी के सामने खड़ी है बिल्कुल ब्रांड न्यू स्विफ्ट। आप सोच रहे हो मेरी है, पर ये भाई मेरी नहीं है। आज भाई अपने पास आ चुके हैं ये पूरा काम होने के लिए। हमारे साथ है डिंपल भैया। कैसे हो डिंपल भैया? बहुत बढ़िया, बहुत। तो भाई जैसे आप देख सकते हो प्रॉपर ये है LXi बेस मॉडल, तो दिखाना चाहूँ तो डिंपल भैया क्या क्या हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर पहले हमने हेडलाइटों में LED डाली है, ठीक है। ट्रैक्सर कंपनी की डाली हुई है, ठीक है। कितना वॉट? 200 वॉट। 200 वॉट इसमें पर LED रहने वाली है, ठीक है। और साइड आते हैं, साइड में साइड बिडिंग लगी हुई है, ठीक है। और डोर वाइजर लगे हुए हैं, डोर वाइजर हो गए, ठीक है। अगर लगवाना चाहो तो आप साइड मिरर लगवा सकते हो, साइड मिरर भी लगा सकते हैं, हैंडल क्रोम भी लगा सकते हैं। अगर फ्रंट पे फॉग लैंप चाहिए तो फॉग लैंप भी है हमारे। हाँ, फॉग लाइट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, नीचे और की फ्रंट में स्किड प्लेट्स भी आ चुकी हैं ब्लैक और रेड कलर के अंदर, ठीक है। वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। साइड ये हो गई साइड लुक, उसकी रूफ ब्लैक करानी हो या पिलर ब्लैक करानी हो तो वो भी करा सकते, वो भी हो जाएगी। अब आते हैं पीछे की तरफ, पीछे अब ये डिक्की खोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने कैमरा लगाया बीच में, ठीक है। ये देखो भाई रियर कैमरा रहने वाला है ये, और JBL के भैया ने स्पीकर लगवाए हैं, ठीक है। कोएक्सियल स्पीकर रहने वाले हैं, ये दो पेयर लगे आगे पीछे, है ना, ठीक है। और साथ ही साथ दिखा दूं, अगर आप भी चेंज कर चुके हैं हम लोग, आप भी अगर बनाना चाहते हो बिल्कुल टॉप मॉडल, तो भाई स्टीयरिंग चेंज करा लो सबसे पहले। अब लग गया भाई देखो टॉप मॉडल वाला। अब बंदे कहेंगे कि भाई बहुत दुकान वाले इतना परसेंट ऑफ दे रहे हो, उतना परसेंट ऑफ दे रहे हो, परसेंटेज को जॉब नहीं है, उसको बोलो खाली ओरिजिनल सामान चाहिए मेरे को। हाँ, मैं देखता हूँ कौन सा ओरिजिनल सामान देता है भाई, कोई नहीं देगा। फिर बाद में कस्टमर आगे कहते हैं भैया सामान तो दे नहीं रहा, पहले सारा काम करा लिए, बाकी सामान है नहीं। फिर आप लोग रेट ज्यादा दे रहे हो, वो 85% मेरे को 20% भी ला के दिखा दो, मैं खरीद लूंगा सारा सामान। और बताओ, ये तो कंपनी फिटेड है, ये लूज कवर है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये किस लिए किया गया बताओ तरुण भाई? ये करा गया एयरबैग के लिए। लोग क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं प्रॉपर। हाँ ना, वो गलत है। आपके लिए एयरबैग के लिए में क्या होता है, वो साइड का क्लैंप सा लगा होता है, इसमें से एयरबैग ताकि खुल सके, खुल सके। अब भाई जब आप उसको स्टिचिंग ही करा दोगे पूरा, तो भाई एयरबैग खुलेगा क्या? क्या क्या ही फायदा उसके भाई एयरबैग का? के लिए यहाँ पे कटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई कोई भी अगर स्विफ्ट में, नई वाली स्विफ्ट में कहीं से भी अगर कवर लगा, तो भाई इस टाइप के कुछ कवर लगाओ जो साइड ये पोर्शन खाली रहे, या फिर आपको एयरबैग के लिए यहाँ पे कटिंग होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो भाई कोई फायदा नहीं है अगर आप बिल्कुल सिले हुए कवर लगा लोगे, क्योंकि बहुत बंदों ने लगाए हुए मैंने देखा, तो कंपनी का भाई फिर कोई फायदा नहीं होगा कि ये इतने सारे एयरबैग देने का। बात करते हैं, ये इनर हैंडल लगाए हैं देखो, ठीक है। ये देखो भाई क्रोम इनर हैंडल रहने वाले हैं, और साइड मिरर के लिए ये चाहिए, वो पूरा साइड मिरर के साथ स्विच आएगा, ठीक है। ग्लॉसी पैनल कार्बन फिनिश वाले, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, बिल्कुल, तो वो भी अवेलेबल है। अब इसमें लगाया हमने डायमंड 2 के कस्टमर के रिक्वायरमेंट के लिए। अरे वाह, तो देखो ये पूरा बढ़िया साइज रहने वाला है। कितने इंच का भैया ये? 11 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। ये हो गया, ये VXi वाला स्टीयरिंग है, VXi वाला स्टीयरिंग लगाया है, ठीक है। साथ साथ गियर नॉब चेंज कर दिया, ठीक है। नाइट मिरर चाहिए वो भी अवेलेबल है। अरे वाह, तो देखो मतलब सब चीज़ें अपने पास मिलने वाली है। एक बार मैं इसका आउटपुट भी आपको सुनाऊंगा कि कैसे कुछ इसका आउटपुट आ रहा है। कोई एम वगैरह नहीं लगा है, फ्लोरिंग भी हो चुकी है भाई पूरी कार के अंदर, ये देख सकते हो। अभी मैट भी डल रहे हैं इसके, ठीक है, मैट भी डल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी पूरा आउटपुट आपको सुनाने वाला हूँ किस तरह क्या आने वाला है, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देता हूँ मैं। तो भाई ये देखो, ये कुछ आउटपुट रहने वाला है, बहुत ही अच्छा क्लियर डिसेंट आउटपुट आ रहा है, और कोई एम्पलीफायर वगैरह नहीं लगा है, डायरेक्ट भाई रहने वाला है स्टीरियो से। तो हमारे साथ है भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। तो भाई सिस्टम वगैरह सब चीज लग गया है ना? तो भाई अपनी वीडियो देख के आए थे कि भाई तरुण भाई ने आज काम कराया, तो हम यहीं से कराते हैं ना भाई। काम कैसा हुआ ये बताओ सबसे पहले, मजा आ गया? गाड़ी कैसी लगी ये बताओ सिर्फ? बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई। भाई अच्छी दी है इस बार ना कंपनी ने, बहुत सही दिया, बेस मॉडल वगैरह सब। टाइम जो गाड़ी है बहुत जेन्युइन दी गई है, इसलिए मैंने ये गाड़ी पसंद करी। बिल्कुल, और भाई ये लग के तो भाई पूरा चार चांद लग गए हैं गाड़ी के अंदर, देख सकते हो आप। गियर नॉब हो गई, और ये देखो इनर हैंडल क्रोम वाले रहने वाले अपने सारे।
टोटल हमने सारी चीजें दिखा दी है, सब चीज बता दिया है डिटेल में। अगर किसी को कोई भी सामान कुछ भी चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये आज की टोटल ओवरऑल वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।